नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। नए साल का तोहफा, कश्मीर में 5 माह बाद SMS सेवा बहाल, इंटरनेट सेवा भी शुरू। मोदी सरकार के अहम निर्णयों का 2020 में सुप्रीम कोर्ट में होगा लिटमस टेस्ट। CA के विरोध पर हिंसा मामले में मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बगावत के सुर, शिवसेना सांसद और भाजपा विधायक भिड़े। आज CDS का पद संभालेंगे पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। हां या ना के लिए उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर तकरार। 7,000 से अधिक भक्तों ने वैष्णो देवी के चरणों में शीश नवाकर की नए साल की शुरुआत, देखे तस्वीरें। बिहार में चुनाव से पहले भाजपा पर दबाव बनाने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ट्रंप ने ईरान को दी नए साल पर विध्वंसक बधाई, बहुत बुरा होगा इसे चेतावनी नहीं धमकी समझे। युद्ध स्मारक पहुंच थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले देश पर आज नहीं आने देंगे। आज से मिलेगी ठंड से राहत, दिल्ली ने झेला 1901 के बाद दूसरा सबसे सर्द दिसंबर। नए साल में 100 साल का हुआ काशी विद्यापीठ, वर्ष 1921 में राष्ट्रपिता ने की थी स्थापना। उत्तराखंड CM ने दी नए साल की बधाई, कहा मन वचन और कर्म से कर रहे प्रदेश की सेवा। PWD की एक और सड़क में लाखों का घोटाला, नपेंगे कई अफसर और ठेकेदार। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरों पर। रजनीकांत की फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन, लॉन्च हुई दरबार फ्लाइट। अरहान के बेघर होने के बाद हुई न्यू ईयर पार्टी, रश्मि और सिद्धार्थ साथ में डांस करते आए नजर। बेटी की आरती करने पर शाहिद अफरीदी ने गुस्से में तोड़ दिया था TV, बॉलीवुड डायरेक्टर ने बताया कट्टर। शाहरुख खान के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां, किंग खान बोले मेरे पास अपने आप में ही बहुत सारी गलतियां हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।